नमस्कार, केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अनुज पाल। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचारकों का दौरा प्रारंभ हो गया। कांग्रेस के स्टार प्रचारक पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह की आम सभा सीएम राइव स्कूल के बड़े मैदान में आयोजित हुई। पूर्व मुख्यमंत्री के व्यवहार और चुनाव अपील को देखने सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग बेताब नजर आए। निर्धारित समय से 10 मिनट पहले सभा स्थल पहुंचकर लोगों को एक समय के लिए पाबंद होने का मैसेज दिया, जिसको उपस्थित लोगों ने सराहा। जबकि अनेक नेता अपने दिए समय पर बहुत कम पहुंच पाते हैं। यहां पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मंच पर पहुंचते जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रणाम किया। इस समय पूर्व मुख्यमंत्री के साथ सरोंज लटेरी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी गगनेंद्र रघुवंशी ने जनता को नमन किया और आशीर्वाद लिया। अपने भाषण में पूर्व मुख्यमंत्री ने सरोंज लटेरी क्षेत्र की जनता से राजनीति सेवा में अपने जीवन के बड़े हिस्से का लगाव, प्यार, स्नेह और भाईचारे का टूट रिश्ता बताया। पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा और उसके प्रत्याशियों की अनेकों नाकामियों को बताते हुए कांग्रेस प्रत्याशी को सहज सरल मृदुभाषी के साथ संस्कारवान बताया। उन्होंने कहा, मेरे भाइयों बहनों बुजुर्ग नागरिक बंधुओं, ये चुनाव इस बार मात्र पार्टी चुनाव नहीं, प्रदेश में विपक्ष के अहंकार को मिटाने के लिए है, प्रदेशवासियों का विकास भी करेंगे। दिग्विजय सिंह ने कहा, जनता से कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की। विशाल आमसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के वचन पत्र की बात करते हुए, वचन पत्र सभी वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जहाँ पढ़ो पढ़ाओ योजना बच्चों के लिए, नारी सम्मान योजना महिलाओं के लिए जिसमें 1500 रुपए पुरानी पेंशन बहाली, किसानों का कर्ज माफ, किसानों के लिए 5 हॉर्स पावर की मोटर, 100 यूनिट बिजली फ्री आदि योजनाएं जनता को बताई। वहीं सभा में सैकड़ों लोग कांग्रेस में शामिल हुए। चंद्रमोहन शर्मा ने भी आज भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा। भाजपा आपस में फूट डालो और राज करो वाले अंग्रेजों के सिद्धांतों पर चलती है, ये पहले हिंदू मुसलमान करती थी, अब हिंदू हिंदुओं को आपस में लड़ा रही है। कहती है, समाज के लोग अच्छे नहीं, वह समाज के लोग अपने नहीं, कांग्रेस हिंदू नहीं। दिग्विजय सिंह ने कहा, कांग्रेस में हम सब हिंदू नहीं हैं क्या? कांग्रेस के लोग भगवान राम को नहीं मानते क्या? और हम और आप सब पूजा करते हैं, साथ लेकर चलते हैं सभी को। हमारी मीडिया टीम ने भाजपा छोड़ने वालों से भाजपा छोड़ने और कांग्रेस को सही पार्टी के रूप में चुनने का कारण पूछा, तो सभी ने कहा, भाजपा की कथनी करनी में अंतर है, भाजपा झूठ बोलती है, भाजपा में कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिलता, अधिकारों की रक्षा भाजपा में नहीं होती, भाजपा राज्यों में महिलाओं को न्याय नहीं मिल पा रहा, महिलाओं पर हो रहे निरंतर अपराधों से महिलाएं परेशान हैं, दुखी हैं, हम हिंदू भाइयों के साथ, सभी वर्गों के साथ, सबके विकास भाईचारे में विश्वास करते हैं। मुनव्वर खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, नसीम हिंदुस्तानी। धार्मिक है और हिंदू और मुसलमान, सिख ईसाई सब अपने अपने धर्मों के आस्था रखते हैं और धर्मों में आस्था रखने वाला हर व्यक्ति नेक होता है, इंसान होता है। और मैं एक बात कह सकता हूँ, जितने धर्म हैं, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे हमारा सनातन धर्म हो, हर धर्म हमें क्या सिखाता है? अच्छा इंसान बनना, इंसानियत ही हमारा धर्म होता है। इसलिए साथियों, धर्म के ऊपर मत बांटना, ये धर्म के ऊपर भड़काएंगे। हिंदू और मुसलमान, सिख ईसाई सब भाई भाई हैं, जिन्होंने मिलकर इस देश को आजादी दिलाई, जिन्होंने मिलकर इस देश की तरक्की की, हम सब सबका सम्मान करते हैं। इसीलिए मैं आप सब से यही प्रार्थना करने आया हूँ, आप सब 17 नवंबर को होने वाले चुनाव में हाथ का बटन दबाइए, कांग्रेस को विजय बनाइए। हमारे राम कुमार यादव जनपद सदस्य, वो भी कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। सर, आपका नाम? चंद्रमोहन। सर, आप पहले किस पार्टी में थे? भारतीय जनता पार्टी। क्या कारण रहे कि आपको भाजपा छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करना पड़ी? भाजपा के वरिष्ठ अधिकारियों की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। कहते कुछ हैं, करते वादे करते हैं, फिर इसके बाद झूठ पे झूठ बोलती है, ये उनकी है। कुछ दो चार झूठ बता सकते हैं? बहुत से झूठ हैं। सर, आपका शुभ नाम? सर, जैसा कि आपने आज कांग्रेस की सदस्यता ली है, क्या कारण रहे कि आपने कांग्रेस की सदस्यता ली? सदस्यता ली है, लेकिन कारण बहुत से हैं। अब झूठ पे झूठ बोलते हैं। अभी कल ही मेरी बात हुई माननीय विधायक जी से, उन्होंने बोला कि आप जनपद में चले आओ, हमारा पेमेंट है, तो कुछ हमारे काम है और पारिवारिक लड़ाई कराते हैं, इस कारण से मुझे छोड़ना पड़ा।
तो ऐसा आपको कांग्रेस में क्या देखा जिसकी वजह से आपने कांग्रेस का दामन थाम लिया? सभी लोग कांग्रेस आपका साथ देगी, ठीक है। बहन जी, जैसा कि आज आपने भी कांग्रेस की सदस्यता ली है, क्या वजह रही कि आपने कांग्रेस की सदस्यता ली? मेरे पति ने लगभग 35 वर्षों तक आनंदपुर सेक्टर में भाजपा की सेवा की, जबकि मतलब वहाँ पे कांग्रेस का राज था और वहाँ पे कोई जानता नहीं था, तब मेरे पति ने वहाँ पे भाजपा को खड़ा किया। आज उनकी मृत्यु के उपरांत, और मैंने 15 वर्ष मेहनती पार्टी की सेवा की, लेकिन आज उनकी मृत्यु के उपरांत मेरी जमीनों पे जो कब्जा कर रहे हैं, कब्जे का प्रयत्न कर रहे हैं, उन लोगों को माननीय विधायक महोदय और भाजपा जिला महामंत्री आशीष शर्मा का संरक्षण प्राप्त है। मुझे मेरी मौलिक सुविधाओं से, जैसे इस देश में मैं रहती हूँ, यहाँ के नागरिक, तो मेरे स्वस्थ मतलब एक शांत जीवन जीने का, सुरक्षित जीवन जीने का, मेरी संपत्ति की रक्षा करने का अधिकार मुझे है, और उस अधिकार से मुझे वंचित किया जा रहा है। ये आज मेरे साथ हो रहा है, कल किसी भी माँ बहनों के साथ होगा। मैं तो बस, मैंने कांग्रेस को इसलिए ज्वाइन किया कि मैं मंच से, जिस भी जगह से लोगों को जागरूक कर सकूं कि आपको सबसे पहले अपना जीवन बचाना, सबसे पहले हमारे जीवन की रक्षा करने का अधिकार है, हमारे बच्चों की रक्षा करने का अधिकार है, और गुंडा राज हो गया, एक ही परिवार वर्षों से करता आ रहा है, तो क्या माननीय विधायक महोदय तक बात ही नहीं पहुँचती? यदि पहुँचती है तो वो सुनते ही नहीं है। जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए कि 24x7 मतलब 24 घंटे और 7 दिन वो खड़ा रहे। मुझे गगनेंद्र भैया से मैं काफ़ी समय से परिचित हूँ, जबकि पार्टी के संबंध नहीं रहे तब से, और मुझे लगा कि एक जमीनी स्तर के व्यक्ति को, जिसका सरल सहज स्वभाव है, उसको चुन के आ चाहिए, और ये तो हमारे पास मत का अधिकार है जनता के पास। यदि लगता है कि वो सरल सहज नहीं है तो फिर परिवर्तन हो जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन परिवर्तन होना चाहिए, इसलिए मैंने। आखिरी सवाल आपसे, जैसा कि आप एक महिला हैं और प्रदेश में महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़ रहे हैं, क्या इन अपराधों पर प्रदेश सरकार ने लगाम लगाई है, आप उससे संतुष्ट हैं या नहीं हैं? नहीं, मेरा तो ये कहना है, शस्त्र उठा लो लाडली, अब गोविंद नाय, ठीक है, मैं खुद तैयार हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे KKR न्यूज़ चैनल से, देखते रहिए चैनल को। धन्यवाद।